गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री लैब में यूज होने वाले विभिन्न एपरेटस। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। ये वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री लैब में पहुंचते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के एपरेटस रखे हुए होते हैं। विभिन्न एपरेटस की विभिन्न एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग उनके यूज होते हैं। और जब तक हम उन एपरेटस के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, हमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस एपरेटस का कहां कैसे उपयोग करना है। तो आज मैं आपको ये सब पूरा बताने वाला हूं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लगी हुई दिखाई देंगी। जब आप प्रयोगशाला में पहुंचेंगे तो ऐसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आपको बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई दिखाई देंगी। ये होती है कांच की टेस्ट ट्यूब। इसमें जो साल्ट एनालिसिस होता है या अन्य प्रकार के टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब को अच्छे से पानी की सहायता से क्या कर लेते हैं, 3 से 4 बार धुल लेते हैं। साथ ही ये टेस्ट ट्यूब ब्रश है, इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को हम अच्छे से साफ करते हैं। अच्छे से साफ करने के बाद इसको धुलते हैं और फिर से इसको साफ करते हैं और 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धुलते हैं। अब जब आप श्योर हो जाते हैं कि अब हमारी टेस्ट ट्यूब एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, तब हम इस टेस्ट ट्यूब का उपयोग एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। अगर उसमें पहले से कोई साल्ट मौजूद होगा तो जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा नहीं आता है। अब जब टेस्ट ट्यूब में किसी मटेरियल को ले लिया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कई एक्सपेरिमेंट में जिसमें जो मटेरियल होता है वो गर्म करने पर रिएक्शन देता है, तो उसके लिए ए गैस बर्नर होता है। गैस बर्नर जहां से आप रेगुलेटर द्वारा जितनी गैस की आवश्यकता होती है उतना यूज करते हैं। पहले के समय में जब गैस बर्नर नहीं हुआ करता था तो ये स्प्रिट लैंप हुआ करती थी, और स्प्रिट लैंप में स्प्रिट भरा होता है और इसको आसानी से आप देख सकते हैं स्प्रिट लैंप को जलाया जा सकता है। अब स्प्रिट लैंप को जलाने के बाद टेस्ट ट्यूब ली जाती है और इसमें मान लीजिए कोई मटेरियल ले लिया, और मटेरियल लेने के बाद यदि आप डायरेक्ट इसको हीट करेंगे तो कांच है उसमें का स्वचालक होता है, धीरे धीरे पूरा कांच गर्म हो जाएगा, पूरी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी और आप जल सकते हैं। तो आप जले ना, उसके लिए ए लैम्प में ऐसा टेस्ट ट्यूब होल्डर एक रहता है, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से क्या कर लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब को उसमें फिक्स कर लिया जाता है और इसको अपनी आवश्यकता अनुसार टाइट कर लेते हैं ताकि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब होल्डर से ना फिसले। और अब इसमें साल्ट लेकर और जो भी एसिड डालने होते हैं उनको डालकर क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में उसको पदार्थ को गर्म किया जाता है। जब टेस्ट ट्यूब में मटेरियल जो होता है वो गर्म होता है तो कभी कभी कई प्रकार की रिएक्शन होती हैं, और कभी कभी जो अंदर केमिकल है टेस्ट ट्यूब में वो तेजी से टेस्ट ट्यूब के बाहर फेंकता है। तो कभी भी एक्सपेरिमेंट करते समय आपको याद रखना है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको कभी भी ऐसे तिरछा नहीं पकड़ना है,
यदि आप ऐसे तिरछा पकड़ोगे तो जो हो सकता कि जो केमिकल है वो टेस्ट ट्यूब से निकल के आपके चेहरे को जला सकता है। तिरछा करोगे तो बगल में आपके जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको जला सकता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से सीधा पकड़ते हैं ताकि यदि किसी प्रकार का कोई मटेरियल टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलता है तो वो किसी को चोट ना पहुंचाए और आप भी सुरक्षित रहें। देखें आप इस तरीके से ए मटेरियल को गर्म करते हैं तो आप देख रहे हैं ऊपर से बाष्प निकलती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। कैसे धीरे धीरे प्रोसेस होगी और रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ए इसी से बचना होता है, कभी कभी तेज हीट होने के कारण से जो मटेरियल होता है वो टेस्ट ट्यूब छोड़ के बाहर निकल आता है, तो इस समय सेफ्टी के लिए हमें सीधा पकड़ना होता है। और आप देख रहे हैं गैस निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्लियर। तो कभी कभी कई प्रकार की गैसों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस एक कांच की रॉड होती है जिसे ग्लास रॉड कहा जाता है। मान लीजिए इससे अमोनिया, इसके अंदर अमोनिया होता है इस समय टेस्ट ट्यूब में, और या अन्य कोई ऐसा मटेरियल होता जिससे जो गैस निकल रही है वो अमोनिया होती, तो इस रॉड को क्या करते हैं एससीएल में भिगोते हैं, और एससीएल में भिगोने के बाद हम आराम से निकलती हुई गैस के साथ उसकी क्रिया कराते हैं। तो आप देखते हैं कि जब NH3 अमोनिया जो होती है वो HCl से क्रिया करती है तो NH4Cl का सफेद धुआं निकलने लगता है। तो ये ग्लास रॉड होती है और इसका उपयोग हम लोग गैसों के परीक्षण में कई प्रकार के जो आपके रिएजेंट हैं उनमें इसको डिप करके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखते हैं तो कई प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब स्पिरिट लैंप का कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब, जो भी टेस्ट ट्यूब मटेरियल होता है जिस टेस्ट ट्यूब में, उसको सीधा टेस्ट ट्यूब होल्डर में ऐसे फंसा दिया जाता है, ऐसे फंसाकर रखा जाता है इस तरीके से फंसाकर रखा जाता है। जो खाली टेस्ट ट्यूब होती है उन्हें पलटकर रख देते हैं और जो भरी हुई टेस्ट ट्यूब होती है उन्हें इस तरीके से टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फिक्स कर दिया जाता है। अब कभी कभी कुछ मटेरियल को सेफ करने के लिए कि वो फैले ना, तो कॉर्क, नाम सुना होगा LM में कई प्रकार की कॉर्क जो होती है वो अवेलेबल होती है और हम टेस्ट ट्यूब की साइज की कॉर्क लेकर हम उस टेस्ट ट्यूब के माउथ में उस कॉर्क को फंसा सकते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल था वो मटेरियल किसी प्रकार का बाहर ना गिरे, क्लियर। तो मैंने मटेरियल लिया हुआ था, आप देख पा रहे हैं कॉर्क फंसाने के बाद ये जो मटेरियल होता है ये मटेरियल आपकी टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आ पाता है। आपने कई एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि कॉर्क का उपयोग किया जाता है और कॉर्क से एक निकास नली निकाली जाती है, ठीक है। तो कॉर्क में छेद करने के लिए कॉर्क बोरर के सेट होते हैं, ये मेरे पास कॉर्क बोरर का एक सेट है जिसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार सबसे पतला छेद करने, उससे छेद की साइज और बड़ी करने में ये कॉर्क बोरर के सेट का उपयोग किया जाता है। अब हम इस कॉर्क में इस तरीके से कॉर्क बोरर के सेट को फंसाकर क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे प्रेस करके क्या कर सकते हैं कॉर्क में छेद कर सकते हैं और उससे निकास नली
निकाल सकते हैं ताकि जो गैस है वो आप दूसरे पात्र में ले जा सके। देखें इस प्रकार आप प्रेस करते रहेंगे तो कॉर्क में आपको छेद मिलेगा और आप देख पा रहे हैं एक कॉर्क में छेद हो चुका है, एक कॉर्क में छेद हो चुका है और जो सेट था एक कॉर्क के आर पार है। अब इस कॉर्क से हम इस जो कॉर्क बोरर सेट का ये इंस्ट्रूमेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं और कॉर्क में छेद हो जाता है और इसमें आवश्यकता अनुसार यदि निकास नली की जरूरत होती है तो इसमें निकास नली या अन्य किसी नली का उपयोग करते हैं ताकि गैस को आप एकत्रित कर सकें या दूसरे पात्र में ले जा सकें। इसके बाद और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये ट्राइपैड स्टैंड होता है और एक गैस जार के ऊपर या स्पिरिट लैंप के ऊपर रखा होता है। इस पर एक आयरन गेज, आयरन की जाली होती है, उसको रख दिया जाता है और गर्म करने के लिए किसी मटेरियल को गर्म करना है, सोडियम निष्कर्ष बनाना है तो ये चीनी की एक प्याली होती है, पोर्सलिन डिस्क इसको कहा जाता है, इसको रखकर इसको हीट करते हैं तो मटेरियल को गर्म करने में इसका प्रयोग होता है। एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, छोटी सी कांच की ट्यूब होती है, इसको इग्निशियन ट्यूब कहा जाता है, इसको इग्निशियन ट्यूब कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा मटेरियल लेकर इसको इसी सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते समय इसका प्रयोग होता है और इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब में मटेरियल लेकर इसको रेड हॉट गर्म किया जाता है और अंत में उसी मटेरियल में इसको तोड़ दिया जाता है ताकि जो सोडियम है या अन्य मटेरियल है वो विलयन में आराम से मिल सके। अब और जो यूज होते हैं वो है फनल, फनल की सब जानते हैं, घरों में सब यूज करते हैं। जब किसी मटेरियल को, किसी एसिड को जब क्या होता है टेस्ट ट्यूब में डालना होता है या ऐसे किसी पात्र में डालना होता है, ऐसे किसी एपरेटस में डालना होता है जिसका माउथ जो होता है वो बहुत सकरा हो, जिसका माउथ बहुत सकरा हो तो आसानी से हम मटेरियल डाल सकें, इसके लिए ए फनल का उपयोग किया जाता है। चलिए आपको दिखाएं, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल ली हुई है और इसमें डालना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं मटेरियल को डालने में ताकि आपका जो मटेरियल है वो बाहर नहीं गिरेगा और कीप की सहायता से आसानी से वो टेस्ट ट्यूब में पहुंच जाएगा। अब बीकर, बीकर इसको बीकर कहा जाता है, इस पर मार्किंग होती है 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, इससे हम विलयन को माप भी सकते हैं कि कितने ml है और एक कांच और फाइबर दोनों में उपलब्ध होता है। इसमें एक चोंच निकली होती है, बीक निकली होती है, इसलिए इसको बीकर कहा जाता है। किसी भी एपरेटस को यूज करने के पहले हम 4 से 6 बार उसको पानी की सहायता से अच्छे से धोते हैं। यहाँ पर लैब में सिंक में आपके पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, उसमें आप आसानी से कई बार अपने जो प्रयुक्त होने वाले एपरेटस हैं उनको धुल लेते हैं और सावधानी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ए आपका कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, इसमें कई प्रकार के जो आपके विलयन बनाने में काम आता है, टाइट्रेशन में काम आता है और इसमें भी मार्किंग होती है 100, 150, 200, 250 ml, क्लियर। तो इसके द्वारा विलयन का मेजरमेंट भी किया जा सकता है, क्लियर। अब बात आती है एक आप लंबा सा सिलेंडर जैसा एक फ्लास्क देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क जो होता है
इसमें आप देखेंगे तो यहाँ 100 ml से 1000 ml तक की मार्किंग है और इससे आप बिलियन को माप सकते हैं उसकी मात्रा ml में कितनी है। अब इसके बाद ऐसा एक पेपर आपको लैब में मिलेगा, इसको फिल्टर पेपर कहा जाता है। फिल्टर पेपर का उपयोग जब आपने किसी बिलियन को बनाया है और उसमें अक्षेप है या किसी प्रकार की कुछ ऐसे मटेरियल है जो सॉल्युबल नहीं है या कोई इम्प्योरिटीज हैं, तब आप इसको फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद इस फिल्टर पेपर को फनल में रख देते हैं। फनल में रखने के बाद क्या होता है, आप किसी मटेरियल को लेकर क्या करते हैं, जब किसी मटेरियल को इसमें डालते हैं तो क्या होता है, जो भी उसमें अक्षेप होते हैं वो अक्षेप इसी फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और जो आपका बिलियन है वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाता है। क्लियर। केमिस्ट्री लैब में आपको एक इस तरीके का कांच का एपरेटस भी दिखाई देगा, इसको राउंड बॉटल फ्लास्क कहा जाता है। इसका उपयोग कई गैसों की निर्माण की प्रयोगशाला विधि में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसको स्टैंड पर कस दिया जाता है और जो भी मटेरियल लेना होता है वो इसमें डाल दिया जाता है। जैसे मैंने ये मेरे पास कुछ कॉपर की छीलन है, ये मैंने कॉपर की छीलन को इसमें डाल दिया। अब क्या होता है, इस पर कॉर्क लगा दी जाती है। कॉर्क लगाने के बाद एक निकास नली निकाल देते हैं और एक थिसल की फंसा देते हैं ताकि उसमें कंसेंट्रेट H2SO4 भर दिया जाता है और इसको धीरे 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 इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जाते हैं। जैसे जैसे कंसेंट्रेट H2SO4 इस राउंड वाटर फ्लास्क में पहुंचेगा और वो कॉपर से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकास नली से धीरे धीरे क्या होगा, निकलेगी और बाहर उस निकास नली से आप उसको जिस पात्र में कलेक्ट कर रहे हैं उस पात्र में वो एकत्रित होती जाती है। तो ये राउंड बॉटल फ्लास्क था। अब आपको दिखाते हैं ए ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड में फंसी हुई होती है कांच की ब्यूरेट, इसका उपयोग टाइट्रेशन में किया जाता है। इस पर बहुत सारी लेबलिंग होती है और इसमें KMnO4 या अन्य कोई बिलियन जो टाइट्रेशन के लिए उपयुक्त होता है भर लिया जाता है और इस रेगुलेटर द्वारा ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे कोनिकल फ्लास्क या पीकर को रखकर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो भी इंडिकेटर होते हैं उनके साथ क्रिया कराई जाती है और टाइट्रेशन को कंप्लीट किया जाता है। साथ में टाइट्रेशन में एक इस तरीके की कांच की ट्यूब भी प्रयोग में लाई जाती है, इसको पिपेट कहा जाता है। इस पर 20 ml की मार्किंग होती है और इसका उपयोग भी बिलियन को मापने में किया जाता है। यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है जो 20 ml की मात्रा को बताता है। तो सक करके जब किसी बिलियन को सक करके क्या किया जाता है, सक करते हैं और सक करने के बाद इस अपर माउथ को अपर ओपन पार्ट को क्या कर लेते हैं, अंगूठे से बंद कर लेते हैं और यदि बिलियन ज्यादा आ जाता है तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर लेते हैं, उसकी मात्रा 20 ml के निशान पर ले आते हैं और इस 20 ml का उपयोग, जो 20 ml बिलियन हुआ उसका उपयोग आप टाइट्रेशन में करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने जाना कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं, उनको आपने देखा, उनके क्या उपयोग हैं वो भी आपने जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।